हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे कि मैंने आपको अपने मोटोरोला टीवी जब मेरा नया आया था तो मैंने उसका रिव्यू बताया था आपको। आप सबने उस वीडियो में बहुत प्यार दिया, बहुत कमेंट्स आए उसमें, उन्होंने उसमें बहुत सवाल पूछे आप लोगों ने। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टीवी 15 दिन बाद कैसा रहा। तो आइए आप बताता हूँ 15 दिन बाद ये टीवी कैसा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मोटोरोला का ZX2 है, 32 इंच। तो ये टीवी मैं आपको बताता हूँ 15 दिन बाद कैसा है। देखो, जैसे कि मैंने टीवी ऑन कर दिया, लाइट देख रही होगी आपको, ग्रीन लाइट जली है। फिर इसको हम ऑन कर दें तो देखो, M फॉर मोटरोला, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो इसमें मतलब थोड़ा है कि ये थोड़ा ना M देर तक दिखा देता है, इसमें खुलने में टाइम बहुत लगता है। ये देखो आपके सामने ही, जैसे अब खुल गया एंड्रॉयड, और पहला ऐसा टीवी जो एंड्रॉयड 10 में आया है। अच्छा टीवी है, बहुत सही है। तो जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, 15 दिन में इतनी कोई चेंजेस नहीं आए, इतना कोई ख़राबी नहीं है। तो आइए चले, होम बटन में दबाता हूँ, नॉर्मली वैसे ही खुल रहा है। इस साइड करता हूँ, वैसे ही चल रहा है। यहाँ मैंने हॉटस्टार, यूट्यूब, G5, फेसबुक, ये सब डाल रखे हैं, ये सावधान इंडिया वगैरह। तो स्मूथ ही चल रहा है, थोड़ा सा फ़र्क भी नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, कभी कभी वो ज़्यादा है, जैसे वो नॉर्मल सी चीज़ है। कभी कभी जो होता है ना, कोई ऐप खोलते हैं, दूसरा ऐप खोलते हैं, तो हल्का सा लेट हो जाता है, कभी कभी होता है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो, जैसे ये है रिमोट, इसका यूट्यूब बटन दबाता हूँ, यूट्यूब, तो ये खुल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एग्ज़ाम्पल मैं यूट्यूब में चलो चलाता हूँ, बुर्ज खलीफा गाना है, चलाया, नॉर्मली चल रहा है, बहुत सही है। स्क्रीन अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी अच्छी, सब अच्छा है। अब मैं यहीं से ही डायरेक्ट अगर ओपन हॉट स्टार बोलता हूँ, हॉट स्टार खुल जाता है, तो इतना भी स्लो नहीं हुआ है, अभी टीवी सही चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है। ये सब हॉटस्टार में है। अब हॉटस्टार में जैसे कि मैं खोलता हूँ, ये टोटल धमाल मूवी खोलता हूँ, ठीक है। देखो पहले हमने जहाँ तक देखी हुई वहीं से रिज्यूम हो रहा है, ये तो चलो नॉर्मल चीज़ है। फिर मैं फिर से यूट्यूब में क्लिक करता हूँ, यूट्यूब खुल रहा है, ये शुरू से खुल रहा है यूट्यूब, है ना। तो ये वहीं से नहीं खुला ब्रिज के लिए से, बट ओपन हॉटस्टार। ऑलराइट, लॉन्चिंग हॉटस्टार ऑन मोटोरोला। देखो हॉटस्टार में ये वहीं से खुला है जहाँ पे मैंने बंद करा था। यूट्यूब में फिर से दबाता हूँ, यूट्यूब नहीं खुल रहा वहाँ से। चलो G5 का देखो, हॉट किस बटन में, यूट्यूब, नेस्ली, गूगल प्ले, हॉट, G5 दबाता हूँ, तो आप देख सकते हो इतना भी, मतलब अभी भी 15 दिन बाद भी बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं कोई स्लो हो गया हो, कुछ हो गया, बहुत सही चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। फिर से हॉटस्टार, ओ उसने ऑल फोर सुन लिया, चलो कोई नहीं, हॉट स्टार। ओके, मजाक ना है, ये मर्दों का गहना है, अब ये वहां से नहीं खुला। मर्दों के हाथ ही अच्छी लगती है। अब देखो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पता नहीं, ये शायद से G5 की आवाज़ चल रही थी। मैंने हॉटस्टार खोल दी तब भी G5 की आवाज़ चल रही थी। देखो बंदू, आपके सामने की बात है, मजाक ना है, ये मर्दों का गहना है, चलो एक बार फिर से चेक करते हैं, मर्दों के हाथ। हॉटस्टार ओके, अभी नहीं हुआ ऐसा, नॉर्मल सी, वो इतनी बड़ा इशू नहीं है, कभी कभी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल ओवर टीवी बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है। और जैसे कि बहुतों ने कमेंट करा था कि इसमें अमेजोन प्राइम है क्या, प्राइम वीडियो, प्राइम, तो इसमें अमेजोन आपको मिल लेगा ज़रूर, मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल प्ले से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो प्राइम वीडियो आपको मिलेगा, ऐसी कोई 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 बोल रहा था इसमें प्राइम वीडियो नहीं है, नहीं है, तो प्राइम वीडियो है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी आपको इसके वो देखना, वो फंक्शन वंक्शन आप मैंने पहली वीडियो में आप मेरी देख सकते हो।
और कोई कोई मेरे से पूछ रहा था सर इसमें थोप टीवी ओरियो टीवी ये सब डाल सकते हो, आप डेफिनेटली डाल सकते हो, बट आपको एपीके फाइल लेनी पड़ेगी। तो एपीके के लिए फाइल के आप पेन ड्राइव के थ्रू भी डाल सकते हो, मोबाइल से शेयर करके डाल सकते हो, यहाँ पे एक ब्राउज़र का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड करके भी डाल सकते हो। ऐसी कोई ये देखो ब्राउज़र का ऑप्शन यहाँ पे पहले से ही है, ऐसे डाउनलोड करके भी डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो थोप टीवी चल जाएगा, बहुत स्मूथ चलेगा, एक बंदा पूछ रहा था स्लो तो नहीं चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखो यहाँ से आप गूगल सर्च करके थोप टीवी डाउनलोड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एपीके फाइल चलेगी लेकिन गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है थोप टीवी टीवी के। और जैसे कि बहुत जने बोल रहे थे, मैंने बताया था अपनी पहली वीडियो में कि थोड़ा स्क्रीन माइनिंग होती है ना, वो थोड़ा स्लो है। अब बहुत जने बोले तुम्हारा मोबाइल पुराना है, तुम्हारा वो है, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपने नए मोबाइल में भी जाके देख रहे हैं, थोड़ा सा वो स्क्रीन माइनिंग स्लो है, बट वैसे और कोई दिक्कत नहीं है टीवी में। अभी भी 15 दिन में भी बहुत अच्छा चल रहा है, साउंड अच्छी है, सब अच्छा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई पूछ रहे थे क्या भैया हम इसमें केबल लगा सकते हैं, आप डेफिनेटली इसमें केबल लगा सकते हो, पीछे पॉइंट दे रखा है केबल के, केबल लगाने का। कोई कोई पूछ रहा था क्या सर हम इसमें वो कर सकते हैं, डेस्कटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, आप डेफिनेटली डेस्कटॉप कनेक्ट कर सकते हो, तो और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आपको और भी कोई आपके पर्सन है क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हो, अगली वीडियो में वही बना दूंगा क्वेश्चन के ऊपर कि आपने क्या क्या सवाल पूछे थे, उसके बारे में जवाब दे दूंगा। और बाकी ये अभी भी बहुत स्मूथ चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि स्मूथ ना चल रहा हो, अच्छा है। कोई कोई बोल रहा था सर 15 दिन बाद रिव्यू देना कैसा है कैसा नहीं, देखो अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, ये हॉटस्टार है, यूट्यूब है, सब अच्छा चल रहा है। यूट्यूब दबा दिया, देखो वहीं से यूट्यूब खुल चुका है, G5, तो ये सब अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये टीवी बहुत अच्छा है, जिस प्राइस रेंज में आया है टीवी बहुत अच्छा आया है। आप इसे फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, बट अभी शायद से अवेलेबल नहीं होगा, जब वापस अवेलेबल होगा आप देख के ले सकते हैं, ऐसी कोई ख़राबी नहीं आई अभी भी 15 दिन बाद। बहुत सही है टीवी, बहुत अच्छा है प्राइस रेंज में। मोटोरोला वाले ने बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन दे दिए कम बजट में।